लेकिन बड़े सुंदर भाव में बोल पा बोल पा जय जय श्री राम जय जय श्री राम। क्या बात है कि एक औरत अपना राजा जी से अपने सैया जी से इस सावन के महीना दिन में बड़ी सुंदर भाव में बताओ तरीका तरीका कैसे भाव में ये होला भाव ए राजा जी ए सैया जी बोली रउआ जब से ले आइल बानी तब से ही घर के झमेले में डालले बानी बाकी देखियो इस सावन के पावन महीना दिन में अच्छा मुकेश भैया के पत्नी नीरज भैया के पत्नी अच्छा सुभाष भैया के पत्नी राकेश भैया के पत्नी सब लोग देव घर जाते ने अगर रउआ इतना कंजूस मर्द बने कि रउआ हमरा के न ले जाए सुनिए सुनिए कहते हैं कि दिल में समाया बहुत लगता है भैया कि दिल में समाया बहुत लगता है फिर वही शख्स पराया बहुत लगता है। अरे देवघर तो मैं भी जाना चाहता हूँ सुभाष भैया लेकिन मैंने सुना है कि आने जाने में किराया बहुत लगता है। है तो है ना मुकेश भैया राकेश भैया सुभाष भैया नीरज भैया नीरज भैया लेकिन आज जितना देवघर जाने में खर्चा लगेगा ना सुभाष भैया देंगे और सर देंगे। अच्छा सुभाष भैया यहीं पे उपस्थित हैं। हाँ यही है जाइए आपको जितना मन करे उतना बार जाइए। सुभाष भैया देखिए एक कंजूस मर्द मिलला औरत के दर्द समझे और बहुत तरीका कि जिंदगी भटलला सैया कि जिंदगी भटलला सैया आज घर के झमेला में कि जिंदगी भटलला सैया आज घर के झमेला में चला ना घुमा दा देव घर सुभाष भैया हैं उनके तरफ से मिलेगा तब ना जाइएगा। चली ना घुमा दी देवघर के मेला में
तरफ से मिला है। अच्छा। और बाबा के दरबार में मुखिया जी से बाबा भोलेनाथ आपको जोड़ा जोड़ा बेटा दे, इस बार ही शादी हुआ है। भोलेनाथ करेंगे अगला साल में अपना जोड़ा बेटा हो जाए कि अब फिर से दर्शन करने आए। और कहना क्या है बड़ी सुंदर भाव है लोग।